नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे आज के वीडियो में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और जरूर करें, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही अच्छी जगह आपको लेकर जाने वाला हूं। जैसा कि हमारे इंदौर शहर का नाम देश के साथ साथ विदेशों में भी क्लीनेस्ट सिटी के नाम पर बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है और यहाँ पर विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। जिस प्रकार यहाँ पर स्वच्छता दिखाई दे रही और जिस प्रकार यहाँ पर डेवलपमेंट और विकास हो रहा, उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी हमारा जो इंदौर है काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होता जा रहा है। दूसरे स्टेट जैसे साउथ और इनके जैसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हमारे इंदौर में भी किया जा रहा है और यहाँ पर भी काफ़ी धर्म अनुयायी जो हैं तेज़ी से आगे आते जा रहे हैं। तो आज इसी प्रकार एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल भव्य मंदिर के दर्शन के लिए आपको लेके चल रहा हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो भी चैनल पर प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं साथियों, और एक नया वीडियो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और एक भव्य मंदिर आपको दिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य रहेगा। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो पूरा जरूर देखें, चलते हैं हम साथियों। तो ये अभी फ़िलहाल रिंग रोड पर चल रहा हूँ मैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आने वाला है आईटी पार्क चौराहा, जहाँ से राइट टर्न लेकर और खंडवा रोड के लिए टर्न लेंगे हम और वहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर और फिर आ जाएगा हमारा आज का स्पॉट। देखिए आज की तारीख में इंदौर की रोड कितनी साफ़ और सुंदर दिखाई दे रही है। एक ज़माना था जब यहाँ पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाता था धूल के कारण, और आज कितनी साफ़ सफाई है यहाँ, इसीलिए इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। तो ये पहुँच चुके हैं हम आईटी पार्क चौराहे, अब यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और फिर बढ़ेंगे आगे। ये भी फ़िलहाल मैं चौराहे पे थोड़ा सा रुका हूँ दिखाने के लिए आपको। सामने बिजनेस पार्क है और ये जो है इंदौर टू इच्छापुर हाईवे खंडवा रोड है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और अब ये सर्कल से हम आगे बढ़ रहे हैं खंडवा रोड पर, जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं हमारे आज के मुख्य स्थान पर कुछ ही देर में। तो बस बने रहे वीडियो में, चलिए चलते हैं। रोड का भी जो कार्य काफ़ी जल्दी पूर्ण होने वाला है और उसके बाद जो आवाजाही की समस्या है वो जल्द से ख़त्म होगी और ट्रैफिक में भी थोड़ी सहूलियत होगी। और ये आखिरकार पहुंच चुके हैं हम श्री स्वामी नारायण मंदिर इंदौर, काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर है, आइए हम अंदर से दर्शन करते हैं। साथियों, श्री स्वामी नारायण मंदिर खंडवा रोड पर स्थित है। जैसा कि हम इंदौर से ओमकारेश्वर की ओर जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पर यह मंदिर आता है, जो कि एक एकड़ के क्षेत्रफल में बना हुआ है और इसकी लागत 20 करोड़ रुपए के आसपास रही, जो कि 14 महीनों में बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण 14 महीनों के अंदर हुआ है। इसमें मंदिर के अंदर मुख्य तीन मंदिर हैं, जिनमें स्वामी नारायण के मंदिर में एक तरफ राधा कृष्ण, एक तरफ श्री लक्ष्मी नारायण एवं श्री स्वामी नारायण जी की मूर्तियाँ स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते समय जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले श्री हनुमान जी एवं गणेश जी के दर्शन हमको करने को प्राप्त होंगे। उसके आगे जाएंगे तो मुख्य मंदिर आएगा, जहाँ पर हम प्रभु के दर्शन करेंगे और जो मंदिर है उसकी जो भव्यता है वो हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं और मंदिर के आसपास भी घूमेंगे। मंदिर के पीछे की साइड धर्मशाला भी बनाई गई है, जहाँ पर रेंट पर जो है कमरे भी मिलते हैं रहने के लिए। कोई ओमकारेश्वर और कहीं जाना हो तो रुकने के लिए आप यहाँ पर भी कमरे बुक कर सकते हैं।
आइए साथियों करते हैं हम दर्शन। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए, गणेश जी के दर्शन हुए और अब हम मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी जो है पर्दे बंद है, तो आइए सबसे पहले हम मंदिर को देखते हैं आसपास घूमकर और उसके बाद करेंगे दर्शन प्रभु के। ये भी मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर है, जिसमें बाहर की साइड से हम पूरे मंदिर में घूम रहे हैं अभी। मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा मंदिर, देखिए कितना सुंदर और भव्य मंदिर बना है। और ये पीछे मंदिर परिसर में ही एक धर्मशाला है, जहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए कमरे भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पर बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन भी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मंदिर के आसपास घूमेंगे और उसके बाद करेंगे हम अंदर से दर्शन मुख्य तीन मंदिरों की मूर्तियों के। साथियों इस प्रकार के बड़े बड़े और विशाल मंदिर हमारे इंदौर क्षेत्र में भी बनते जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आने से मन को शांति प्राप्त होती है। देखिए मुख्य मंदिर के श्री स्वामीनारायण जी के दर्शन अभी करवा रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मूर्ति है, साथ में श्री राधा कृष्ण जी के और लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन। तो साथियों आज के वीडियो के मुख्य जो मंदिर के दर्शन के लिए हम आए थे, उस मंदिर के दर्शन मैंने आपको करवाए और काफ़ी विशाल और भव्य मंदिर है। खंडवा रोड से अगर ओमकारेश्वर जाना हो तो ज़रूर एक बार आएँ और दर्शन ज़रूर करें, बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। तो साथियों इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट और कई ऐसे अन्य अद्भुत स्थानों के दर्शन करवाऊँगा और बहुत सारे जो हमारे इंदौर की जानकारियां हैं वो भी देता रहूँगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और आपका सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी और बहुत सी अच्छी जगहों के साथ में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री स्वामीनारायण।